आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, एक प्रश्न दिया हुआ है हमें कि एक खोखला गोला डैश बिंदु पर कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। हमें बताना है कि वह कौन सा बिंदु है जहां पर किसी प्रकार का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। मान लीजिए हमारे पास एक खोखला गोला है, कुछ इस तरीके से ये हमारे पास खोखला गोला है। अब अगर हम इसके बिंदु की बात करें तो ये उसका केंद्र बिंदु है, जिसको हम आंतरिक बिंदु भी बोल सकते हैं। मतलब यहाँ तक कोई भी आंतरिक बिंदु रहेगा इसके इस अक्षेत्र में। अब ये इसके ऊपर वाला बिंदु होगा, मतलब जो उसकी सतह पर बिंदु होगा। ये हमारे पास बाह्य बिंदु है, ये मेरे पास 2 मीटर दूर बिंदु है और ये मेरे पास है 10 मीटर दूर बिंदु। प्रश्न के अनुसार ये हमारे पास जो है ये बाह्य बिंदु है और ये हमारे पास है 2 मीटर दूर बिंदु और ये हमारे पास है 10 मीटर दूर बिंदु। अब हम प्रश्न के अनुसार हम क्या करते हैं कि इसके केंद्र से यहाँ तक की दूरी, मान लीजिए यहाँ तक की दूरी, ये हमारे पास केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या क्या है, r। इसकी त्रिज्या मान लीजिए r है। अब इसका जो आवेश होगा वो इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित होगा। जो आवेश है वो इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित, क्योंकि खोखला गोला है। अब खोखला गोला है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। अब हम गाउस के नियम के अनुसार, गाउस नियमानुसार हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि जो इसके अंदर से जाने वाला फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स फाई ई, वो बराबर क्या होगा, क्यू बटे में एप्साइलन नोट, क्यू बटे में एप्साइलन नोट। परंतु यहाँ पे जो इसका जो इनसाइड, जो इसके आंतरिक सतह पर किसी प्रकार का आवेश कितना है, शून्य। यदि हमारे पास आवेश शून्य है तो फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, ई डॉट डी एस का जो बंद समाकलन होता है वो हमारे पास है क्यू बटे में, क्यू हमारे पास कितना है, जीरो। तो यहाँ से जीरो, तो यहाँ से हमारे पास जो ई होगा, ई वो हमारे पास क्या आएगा, शून्य। वो कहाँ पर होगा, इसके आंतरिक बिंदु पर, मतलब अंत है बिंदु पर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा वो कहाँ पर होगा, आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। परंतु जो बाह्य बिंदु पर 2 मीटर दूर पर, 10 मीटर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होता है उसको निकालने का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r आर का वर्ग, जहाँ पर r हमारे पास बाह्य बिंदु की दूरी है, 2 मीटर दूरी या फिर 10 मीटर दूरी होगी। परंतु यहाँ पे हमारे पास प्रश्न के अनुसार जो पहला ऑप्शन है इसका वो सही है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।